देर रात का समय, यह है मुंबई का मलाड स्टेशन। ट्रैक पर 11:45 की बोरीवली के लिए धीमी लोकल आ रही है और ये है महिला डिब्बा जो कि बिल्कुल ही आखिरी का कोच है। इस डिब्बे में ज्यादा लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, महज एक से दो महिलाएं ही इस डिब्बे में आपको नजर आ रही है। लेकिन ये क्या, गेट पर ये शॉल लपेटे कौन सोया हुआ है? जरा ध्यान से देखिए। शनिवार रात 11:45 पर मलाड के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक लोकल आती है जहां पर महिला डिब्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति शॉल ओढ़कर सोया हुआ है। ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। डिब्बे में महज 2 से 3 महिलाएं थी और कोई होम गार्ड भी नहीं था। ऐसे में अगर देखा जाए तो रात के समय महिला डिब्बे में एक होम गार्ड का रहना आवश्यक है। कई बार देखा जाता है कि होम गार्ड के ना रहते हुए कई हादसे भी होते हैं, जैसे कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, छीना झपटी, चोरी और लूटपाट के मामले। इसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है। आप इस लापरवाही के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।